जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली थोड़ी सी एक न्यूज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जो एक और रिजेक्शन लेटर देखा है मैंने, जिसका एक रिजेक्शन लेटर आया एड्रेस की वजह से, उनकी एड्रेस की वजह से इस एफिडेविट लगाने के बाद भी एक रिजेक्शन लेटर आया, तो ये वीडियो उसी पे। साथ ही नए साल का जो पहला त्यौहार मकर संक्रांति, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका ये त्यौहार और आने वाले साल के सभी त्यौहार बहुत ही अच्छे से जाए, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो रिजेक्शन लेटर आया है, ये एक बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में DM सेंटर था SSGD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसकी तरफ से ये रिजेक्शन लेटर गया। उसका जो रीज़न है वो है, डिस्ट्रिक्ट की जब फॉर्म अप्लाई किया था उस समय डिस्ट्रिक्ट कुछ और था, और जब वहाँ पे प्रस्तुत किए तो उस जब आपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे मेडिकल के समय, तो उस समय डिस्ट्रिक्ट कुछ और था, उसकी वजह से ये रिजेक्शन लेटर आया दोस्तों। तो जो ये रिजेक्शन लेटर आप देख रहे हो, इसमें बालोदा बाज़ार जब फॉर्म अप्लाई किया था, तब बालोदा बाज़ार इसने डिस्ट्रिक्ट भरा था छत्तीसगढ़ का, लेकिन जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए वहाँ पर जाके मेडिकल के समय में, तब इन्होंने जांगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे। तो इसकी वजह से इनको बोला गया था कि आप एफिडेविट लगवाइए, तो इन्होंने एफिडेविट भी लगवाया था, और एफिडेविट का इनके पास में कॉपी भी है, एफिडेविट भी लगाया था, लेकिन एफिडेविट लगाने के बावजूद भी रिजेक्शन हो गया दोस्तों। एफिडेविट लगवाने के बावजूद भी ये रिजेक्शन लेटर आया है, तो और भी कईयों को आ सकता है इस, अगर आपका भी इस प्रकार की गलती और की, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम क्यों आई, सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम क्यों आई। अगर आपके एड्रेस में प्रॉब्लम है, अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उससे मतलब नहीं है। अगर एड्रेस में प्रॉब्लम है, जैसे अगर कईयों को मेरे को पहले से मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा गांव है वो अलग लिख दिया, या हमारा जो पिन कोड है वो अलग हो गया, या जो हम पुराना एड्रेस लिख दिया या परमानेंट एड्रेस लिख दिया, तो उसकी वजह से कोई रिजेक्शन लेटर नहीं आने वाला। ये जो रिजेक्शन लेटर है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का जो रीज़न है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाने से होता क्या है कि कई डिस्ट्रिक्ट नक्सल एरिया में आते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में आते हैं। जो नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया या इन सभी डिस्ट्रिक्ट, कोई जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो होता क्या, अगर डिस्ट्रिक्ट आपने चेंज कर दिया, अब अगर मान लो कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हो और आपने डिस्ट्रिक्ट चेंज करके फॉर्म भरते समय नक्सल डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम लिख दिया वहाँ पर, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट का आपको आरक्षण मिलेगा, जबकि आप आरक्षण के हकदार हो ही नहीं। तो इसकी वजह से ये रिजेक्शन हुआ दोस्तों। साथ ही बता दूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी है, जिस पे मैं कंटिन्यू आने वाले न्यू वैकेंसियों के वीडियो डालता रहता हूँ, और मैं तो रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो जितने भी इच्छुक है मेरे दोस्त, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, एक बार विजिट जरूर करिए दोस्तों। जितनी भी आने वाली साल की नई वैकेंसी है, उन पर मेरा वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। हर महीने ऐसा वीडियो आएगा जिसमें आने वाली जो उस महीने की पूरी वैकेंसी रहेगी उसके बारे में डिटेल रहेगी दोस्तों। तो अब इसका जो रिजेक्शन हुआ, उसका लीडर जो रीज़न है वो यही है। अब इस कंडीशन में करें क्या, इसमें मतलब एफिडेविट लगाया भी था कि भाई मेरी जो फॉर्म भरते समय साइबर कैफे वाले से ही गलती हुई है, उसकी वजह से इस प्रकार से गलती हुई है, एफिडेविट बना के दिया भी था जब DM के टाइम, क्योंकि इनको पहले भी कॉल आ चुका था कि आप एफिडेविट लगवा दीजिए, तो इन्होंने एफिडेविट जमा करवा दिया था। लेकिन अब फिर रिजेक्शन लेटर आ गया कि आपके कागज़ कार्रवाई गलत होने के कारण आपको रिजेक्शन लेटर दिया जा रहा है, या तो अब करेंगे क्या इस कंडीशन में, अगर आपको भी आ जाए तो करना क्या। तो जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आ रहा है इनका DMI सेंटर से, तो अगर इस प्रकार से आपको जिस भी सेंटर से आए, तो उस सेंटर में आपको कनेक्ट करना है जाके, और अपना एफिडेविट और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जगह लेके जाने, साथ में वहाँ पर दिखाने कि सर हमारे को इस प्रकार की प्रॉब्लम हुई थी, या साइबर कैफे वाले की ये गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और मेरे को इस आरक्षण लिस्ट से हटाकर इस लिस्ट में अगर हो सकता तो ज़रूर करें। तो अगर आपकी मदद हो सकेगी तो वहीं पे ही हो सकेगी, इसके अलावा आपको बहुत ही कोई मदद नहीं कर सकता, या कुछ भी नहीं हो सकता इस कंडीशन में। तो लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको रिजेक्शन लेटर जिस सेंटर से आया है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर ट्राई करें, ताकि हो सकता है कि अगर आपने एफिडेविट लगाया है, तो आप वो एफिडेविट की कॉपी लगाने से आपका काम बन सकता है। तो इस प्रकार से एक बार ज़रूर ट्राई कर ले दोस्तों। और भी अगर किसी को आए तो ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पे इधर भेजना, अगर किसी ग्रुप सेंटर में या कहीं से भी आपको आए DMI सेंटर या कहीं से, तो आप ज़रूर मेरे से कनेक्ट करें, और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके ज़रूर वो स्क्रीनशॉट या उसका फोटो भेज दीजिए, फिर मैं आपको क्लियर करके ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।